आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम क्लास सिक्स की इंग्लिश की बुक हनी सकल का लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो इस लेसन का जो राइटर है वहां पर एक महिला है जिसका नाम है मिस बीम। मिस बीम नाम की महिला एक विद्यालय चलाती है और उस लेखक ने, इस पार्ट का जो राइटर है, उस विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना है और ये भी सुना है कि उस विद्यालय में बच्चों को एक अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है और वहां पर बच्चों को जो सिखाने के जो मेथड है वो भी एक अलग प्रकार के। और इन सब की जानकारी लेने के लिए जो राइटर है, लेखक, उस विद्यालय में उसको जाने का मौका मिलता है। और जब उस विद्यालय जाता है तो वो देखता है, उसको वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन जब आगे बढ़ता है तो उसको एक लड़की नजर आती है और वो लड़की जिसके आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ में, वो लड़की 12 साल की और उसके साथ एक 4 साल का लड़का है जिसके सहारे वो चल रही है। आंखें ढकी होने के बावजूद वो लड़की जो सामने आती फूलों की क्यारियां उनको बड़े ही सावधानी पूर्वक रूप से पार करके आगे बढ़ती है। और जब वो जब उसको एहसास होता है कि कोई आया है तो उसके साथ जो 4 साल का लड़का है वो लड़की उससे पूछती है कि कौन है। और मुझे और लेखक को ये प्रतीत होता है कि जो वो लड़का है वो उसके बारे में उसको बता रहा है। और जब लेखक आगे बढ़ता है, जैसा कि उसने आशा की थी कि जो मिस बीम है वो एक बूढ़ी महिला, अधेड़ उम्र की महिला है और थोड़ी सी मोटी है और उनके बाल भी सफेद हो चुके हैं। और जब लेखक मिस बीम से मिलता है तो वो उसे पूछता है कि आपके विद्यालय में ऐसी क्या खास बात है। तो मिस बीम कहती है कि हमारे विद्यालय में ऐसी कोई भी खास चीज नहीं है और जो सब कुछ भी करते हैं वो हम एक साधारण रूप से करते हैं जिससे कि बच्चे सीखते जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिस बीम का जो विद्यालय है उसके अंदर क्या अलग प्रकार की विशेषता है। तो जब लेखक मिस बीम से मिलता है तो मिस बीम कहती है, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम, बच्चों को अधिक सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न, बच्चों को सीखने के लिए ज्यादा मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। हाउ टू डू थिंग्स, की जो चीजें उनको वो किस प्रकार से आगे करते हैं। सिंपल स्पेलिंग, बच्चों को साधारण से स्पेलिंग सिखाई जाती है। एडिंग, जोड़ना सिखाया जाता है। सब्ट्रैक्टिंग, जिसको बोलते हैं अपन माइनस करना, घटाना सिखाया जाता है। एंड मल्टीप्लाइंग, बच्चों को गुणा करना सिखाया जाता है। एंड राइटिंग द रेस्ट, और कुछ लिखना उनको सिखाया जाता है। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग, और इसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो उनके रीडिंग के द्वारा पूरा हो जाता है। टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बच्चों को आपस में रुचिकर बातें कराई जाती है। बच्चों को यहाँ पर ज्यादा कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, केवल सिंपल सी उनको स्पेलिंग सिखाई जाती है। एडिंग, संख्या को जोड़ना सिखाया जाता है। सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जाता है। मल्टीप्लाई, उनको गुणा करना सिखाया जाता है। एंड राइटिंग, और उनको लिखना सिखाया जाता है। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग, इसके अलावा जो कुछ भी बचता है बच्चे स्वयं पढ़कर वो सीख जाते हैं। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनको आपस में रुचिकर बातें करवाई जाती है। ड्यूरिंग, और इस दौरान जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, इस दौरान विच दे हैव टू सिट स्टिल, तो वो बैठना सीखते हैं। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को बांध कर बैठते हैं और वो बैठना सीखते हैं कि किस प्रकार से बैठना हो बैठा जाता है, किस प्रकार से उठा जाता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और यहाँ पर जो कुछ भी होता है वह प्रैक्टिकल रूप से होता है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अतिरिक्त लेसन नहीं दिया जाता है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, मिस बीम कहती है, इस विद्यालय का जो वास्तविक उद्देश्य है, इज नॉट सो मच टू टीच, बच्चों को ज्यादा नहीं सिखाया जाए। इस विद्यालय का जो मुख्य एम है वो एम ये है कि बच्चों को ज्यादा कुछ ना सिखाया जाते, थॉट एज, बच्चों को केवल सोचना सिखाया जाता है। बच्चों को केवल सोचना सिखाया जाता है। थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, जिससे कि बच्चे सोच सके। काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति दया दिखा सके। काइंडनेस का मतलब होता है दया। बच्चों को यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता, बच्चों को केवल सोचना सिखाया जाता है, बल्कि अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचना और उनके प्रति दया दिखाना। टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और बच्चों को यहाँ पर
पर जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार सिटीजन, और यहाँ पर बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो, और मिस बीम लेखक से कहती है कि आप बाहर की तरफ देखो, जो विंडो है विंडो के बाहर की तरफ देखो, और मिनट एक मिनट आप विंडो के बाहर देखो, वीडियो आपको सब पता चल जाएगा। आई वेंट टू द विंडो, लेखक विंडो की तरफ जाता है, विच ओवरलुक, और विंडो से वो देखता है, विच ओवरलुक अ लार्ज गार्डन, तो जो स्कूल की विंडो है खिड़की है उसके बाहर जाके लेखक देखता है, उसके बाद इसमें बड़ा सा एक गार्डन नजर आता है, बड़ा सा उद्यान नजर आता है, एंड्स अ प्लेग्राउंड, और एक बड़ा सा खेल का मैदान देखता है, एट द बैक उसके पीछे। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क, मिस बीम लेखक से पूछती है कि आपने वहां पर क्या देखा। तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। आगे वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।